हेलो गाइज, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, एंड आई एम इन जिस्पा टुडे एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ले। तो अभी प्लान ऐसा है कि हम लोगों का जो पैकिंग वैकिंग है सारा हो चुका है। इसमें अभी टाइम हो चुका है 6:30 और प्लान कुछ इस तरीके से है कि हम लोग जितने भी पासेज हैं ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी क्रॉस कर लें सनराइज़ होने से, मतलब धूप पहाड़ पर पड़ने से पहले, जिससे कि जो पानी है वो थोड़ा सा कम बहे एंड जो वाटर क्रॉसिंग है अपने को थोड़ा सा पानी कम मिलेगा। मेन चीज़ है हम लोगों ने पूरा थर्मल वियरिंग और वो सारा चीज़ें पहन लिया है। तो सो जो तांगलांगला का हाइट है दैट इज़ 17,880, तो उसकी वजह से हम लोग पूरा थर्मल वियरिंग सारा पहन लिया है। और बीच बीच में कुछ वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, दीपक ताल, सूरज ताल लेक और ये सारे हैं। तो ओवरऑल जो आज का जर्नी है बहुत अमेजिंग वाला होने वाला है। तो पूरा जो व्लॉग है ना एंड तक देखना, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता लग जाए कि कैसे कैसे आप लोगों को क्रॉस करना है, स्पेशली ऑन RR 310, क्योंकि मेरे पास है RR 310 और एक स्पोर्ट्स बाइक को कैसे मैनेज करना होता है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, पैकिंग हो चुका है, सी ऑन द रोड। हाउ इज द जोश? ये अब चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं एंड ट्राई करेंगे 2.5 घंटे में वाटर क्रॉसिंग जितना कवर हो जाए। सो एवरीवन इज़ वेयरिंग जो रेन जैकेट होता है तो वो पहन लिया है, जिससे कि आगे पूरा जो डस्ट वस्ट है वो ना लगे। अपने को 3 वाटर क्रॉसिंग पड़ेगा और 4 पास पड़ेंगे, तो ओवरऑल जो है ना मस्त खतरनाक वाला जर्नी होने वाला है। यहाँ से जो बारालचा का डिस्टेंस है वो अराउंड 25 किलोमीटर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी देखो ये रिवर है यहाँ पे पूरा, हम लोग गए थे कल थोड़ा ऑफ रोड करने, थोड़ा वार्म अप हो गया। दो आई हैव RR 310 बट मैं फ्रेंड का KTM 390 एडवेंचर लेके गया था। अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा देन वॉच इट फ्रॉम द आई नोटिफिकेशन कमिंग। तो यहाँ पे जो है ये पहला पुल पड़ जाता है, दिस इज़ जस्ट आफ्टर दर्चा 1 किलोमीटर दिखा रहा है, ये क्रॉस करके उधर पे दर्चा पड़ता है। सो ये दर्चा का जो पुल है ये क्रॉस करेंगे, ये है BRO दर्चा ब्रिज डेडिकेटेड टू श्री राजनाथ सिंह। अभी तो ऐसा है कि जो भी जितने भी पास हैं वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं, तो अभी देखते हैं कैसा लगता है पहले दूसरे तीसरे पास में। और जो वाटर क्रॉसिंग बोल रहे हैं अभी इस टाइम पे वेरिएबल है, बट ओनली थिंग इज़ कि वाटर क्रॉसिंग थोड़ा सा देख के पार करना है, क्योंकि जो उसके नीचे जो पत्थर है वो थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो ये सामने जो स्ट्रेट वाला रास्ता है दैट विल गो टूवर्ड सिंकुला, जो कि है यहाँ से 39 किलोमीटर्स, और वी आर गोइंग टू ले। तो हम लोगों को यहाँ से यूटर लेना है, ये जस्ट आफ्टर दर्चा का जो पुल आता है उससे एक डाइवर्जन थोड़ा सा बाद में आ जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से दर्चा क्रॉस करके कुछ अराउंड 12,000 फीट के ऊपर गए एंड अभी डाउन जाएंगे, देन उसके बाद में धीरे धीरे हाइट पकड़ती जाएगी। जो मैक्सिमम जो आज का पास रहेगा वो रहेगा 17,800 विच इज़ तांगलांगला। तो ये है पहला वाटर क्रॉसिंग, छोटा सा चुटकू सा, थोड़ा सा देख के निकालेंगे इधर से क्योंकि रोड इन्होंने तो बनाई थी, बट ओनली थिंग इज कि वो ख़राब हो गया। तो यहाँ पे कोई सी तो लेक है लेफ्ट साइड में, सो ये वाला जो लेक है दिस इज़ दीपक ताल लेक, और लोगों ने पत्थर से बना रखा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और इसके बाद में आएगा बारालचा और उसके बाद में आएगा सूरज ताल लेक। अभी का जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ 12,500 और यहाँ पे देख लो, वाह यार क्या अलग लेवल के नज़ारे हैं, मतलब 12,000 के बाद में लाइफ ही अलग शुरू हो जाती है। और यहाँ पे अलग ही होगी यार पहाड़ी, एंड वी हैव टू स्ट्रेच स्ट्रेट यहाँ से, छोटा मोटा वीडियो बनाने के लिए रुकना पड़ता है यार, मतलब कंटेंट अगर नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे बोर्ड में साफ लिखा होता है स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच अर्ली, रीच सेफली। जिंगजिंग बार इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो वो अपनी फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग रहेगी, उसके बाद आएगा सूरज ताल, देन उसके बाद में आएगा अपना बारालचा। यहाँ पे थोड़ा सा देख के चलना है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा पत्थर में नहीं चढ़ाऊँगा क्योंकि RR 310 है
देखो यहाँ पे अभी तब भी वाटर लेवल कम है, तो ये यही है पूरा वाटर क्रॉसिंग वाला। यहाँ पे बस स्लो चलना है मेरे को थोड़ा सा। यहाँ पे बस इतना है कि थोड़ा सा पानी वानी है उसको क्रॉस करते चलो पानी। अब यहाँ पे देखो जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, तो बेटर है कि स्लो करके पांव का थोड़ा सा सपोर्ट लेके निकाल लो। और यहाँ पे भी आई थिंक थोड़ा सा वैसा है, तो देखो निकल गया इजीली, तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, निकल जाता है। ओनली थिंग इज यू हैव टू ड्राइव स्लोली एंड सेफली। ये देखो अभी सनराइज हो रहा है धीरे धीरे, क्लाउडी है इसी वजह से धूप नहीं पड़ रहा पहाड़ों पे। तो यहाँ से बारह लच्चा 21, लेह इज 302, तांगलांगला 196, साचू 53, पांग 129। तो पांग के बाद में अपने को थोड़ा सा रोड जो है सही मिल जाएगी। सो वेलकम्स यू टू जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार ये है जो वाटर क्रॉसिंग था वो जिंगजिंग बार का पहले ही था। तो मतलब इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम जस्पा टू लेह, जो जिंगजिंग बार का क्रॉसिंग है वो आप लोगों को पहले पड़ जाएगा। क्या सही लग रहा है पहाड़ी, मतलब अलग अलग जगह सनलाइट पड़ रही है। अभी धीरे धीरे सनलाइट आ जाएगी ना तो अपने को सही लगेगा। तो वी आर अबव 14,000 नाउ। लुक एट दिस मैन, मतलब अलग अलग लेवल। ये देखो नीचे से वहां से रास्ता आता था, हम लोग वहां से आए हैं इस साइड में, अभी क्लाइंब कर रहे हैं बारह लच्चा के लिए। क्या हो रहा है कि बूंद गिर रही है पूरा हेलमेट में। यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा आप लोग कर्व पे अगर चल रहे हो तो स्पीड कम ही रखो एंड फर्स्ट गियर पे रखो, ताकि आप लोगों को कर्व जैसे लेना पड़े तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एंड इजीली आप लोग जा सके। और यहाँ पे ट्रक भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो राइड सेफ हियर। मैं थोड़ा सा वाइजर खोल देता हूँ क्योंकि बिल्कुल भी ना फ्यूम्स, मतलब फॉग अप हो जा रहा है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऐसा नहीं हो रहा है कि पानी गिर रहा है, हल्का हल्का सा वो बर्फ के फॉर्म में गिर रहा है। तो हाँ, ये जो राइट साइड में है ये वाली लेक है सूरजता लेक, आ जाओ। तो ये पूरा ब्लू पानी है क्योंकि ब्लू है पानी पानी। तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है उंगली। एंड आई डोंट थिंक सो मैं ड्रोन यहाँ पे उड़ा पाऊँगा यार, गरम थोड़ा सा उंगली हो जाता तो ठीक है, समझ में आता है। तो अभी हम लोग बारह लच्चा पहुँचने वाले हैं एंड ये पहुँच गए। ओके, सो वी आर एट बारह लच्चा पास। ऑल्टीट्यूड इज 4,850 meters। सो गाइज आई हैव रीच्ड बारह लच्चा और हम लोग जो अभी हैं 4,850 meters पे, और यहाँ पे जो भी है सारा फोर मतलब मीटर्स में लिखा हुआ है। बट लुक एट दिस व्यू, कैसा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्नो गिर रहा है जब भी चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग ऑलमोस्ट 10-15 मीटर रुक लिए, जो हाइट था वो था अराउंड 14,600। अभी ये एक वाटर क्रॉसिंग है छोटा सा, इसको क्रॉस करते हैं। ये पत्थर है बस मेन, वही थोड़ा सा पाँव से ऊपर करके निकल जाएगा आराम से, ईजी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सरब रिवर है और ये पूरा आगे चलता रहेगा, ये पूरा घाटा लूप्स तक यही वाला सेम रिवर चलेगा। यहाँ पे पूरा पत्थर पत्थर वाला माउंटेंस है, वहाँ पे पूरा मिट्टी मिट्टी वाला माउंटेंस है। बीच में से ये पूरा सरब रिवर जा रहा है, अलग लेवल है। ये वाला है जो अभी, ये छोटा सा ब्रिज है, ये नीचे से निकाल के जाना पड़ रहा है। हाँ, नाम नहीं पता है बट सरचू के जो पहले है। और ये ऊपर वाला ब्रिज अभी बना रहे हैं, गोल्ड क्लास 9 टन। हम लोग सारचू पहुंच चुके हैं अभी, ये पूरा स्ट्रेट रास्ता है। हम लोग ऑलमोस्ट मतलब 10-12 किलोमीटर से चल रहे हैं और ऐसे ही रोड चल रहा है। दिस इज NH3, बहुत ही अमेजिंग रोड मेंटेन की हुई है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी अपनी बाइक की, देन उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। ये सारचू पहुँचने के बाद में एक थोड़ा सा और वाटर क्रॉसिंग पड़ता है, इधर थोड़ा सा देख के निकालता हूँ मैं कौन से रास्ते से जाऊँ, नहीं समझ में आ रहा। स्लोली
यहाँ पूरा ही पानी बह रहा है। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं तो देख के निकालना है। यहाँ पे ऊपर हो लेता हूँ सो दैट अगर ज़्यादा गड्ढा भी हो तो निकल जाए बाइक। थोड़ा सा पाँव ऊपर करके आराम से निकाल सकते हैं वैसे। हाँ फाइनली अभी भीगे हैं फिर धूल में जाएंगे। उपसी है 202 ले 251। हाथ दर्द कर गया मेरा। थैंक यू जी। चलो यहाँ से थोड़ा सा जैसे सरचू क्रॉस होता है ये ले बॉर्डर आ जाता है सो वी आर एंटरिंग ले नाउ। थैंक यू। अब यहाँ पे गंदा वाला पैच आएगा पूरा मिट्टी का। आई डोंट नो क्यों है आई थिंक सो हाईवे बन रहा है। लेट्स सी। वैसे ब्रेकफास्ट वाला जगह है प्रॉपर। आई थिंक जो मिट्टी वाला पैच था वो उधर नीचे से था। ये रोड अभी रिसेंटली बन गई है तो अभी अपने को ज़्यादा मिट्टी वाला जो पैच है वो क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला जो रोड है इसका आई थिंक सो नाम है प्रोजेक्ट हेमांक। BRO का ही एक और प्रोजेक्ट है तो इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मस्त एकदम रास्ता बन गया है। आई थिंक सो रिसेंटली खोला है वरना लग जाती लिटरली। और यहाँ पे देखते हैं पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है हेमांक। हाँ दिस इज़ हेमांक क्रिएट कनेक्ट्स एंड केयर। यहाँ से ले है 249। मेरे को लग रहा है पैच अभी पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा रोड है थोड़ा नहीं है। यस यही वाला रोड था नहीं हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा देख के चलाना है क्योंकि सिर्फ मिट्टी नहीं है एक्चुअली पूरा ही। देखो ये प्रोजेक्ट हेमांक चल रहा है जो यहाँ से जो पूरा आगे कितने किलोमीटर का है रोड आई डोंट नो बट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हो जाता है। यहाँ पे तो मेन रोड पे काम चल रहा है अपने को थोड़ा सा ऑफ रोड करके निकालना पड़ेगा। लेट्स सी कहाँ से इधर से निकालता हूँ ज़्यादा आगे जाने से पता नहीं। वैसे ये बीच वाला यही वाला पैच था जो वो देखते थे हम लोग। ओ माय गॉड ये पूरा ही यहाँ पे खतरनाक धूल है यार। पीछे देखो मिरर में क्या धूल उड़ रहा है। मैं इसलिए थोड़ा सा बाकी से हटके इधर आ गया क्योंकि बाकी के पास में ADV है यहाँ पे दौड़ाते हैं वो और मेरे ऊपर पूरा धूल होता है। बट इट्स वेरी डेंजरस। मतलब अगर आप यहाँ पे दौड़ा रहे हो ना अचानक से बम्प है इफ़ यू आर एक्सपीरियंस वन ये जा सकते हो। अभी अपन एक काम करते हैं थोड़ा लेफ्ट से निकालते हैं राइट वाले ज़्यादा गड्ढा गड्ढा लग रहा है। आपको ना एक बार पीछे दिखा देता हूँ मैं कैसे कैसा धूल उड़ रहा है। तभी बाइक है मेरी तो कम उड़ा रही है। अब किधर से निकालेंगे इधर से ही निकालेंगे अपन। ऐसा लग रहा है ना रेत ऐसा हो रखा है कि मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरा मस्त वाला एकदम जो वो होता है ना मैदा मैदा जितना लाइट रहता है। थैंक गॉड खत्म हुआ यार। ओ जान ले रही इसने इधर कोई पूरा मतलब धूल वूल हो गया। इसलिए एक सजेशन है कि जब भी इधर आ रहे हो ना तो एक बार पहन लेने का ये रेन जैकेट जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये ऐसा कितना दूर तक है कितना
एक दो किलो कितना किलोमीटर है? दो किलोमीटर और ऐसा है। ठीक है भाई साहब, क्या धूल उड़ा है, क्या बात है। ट्रक वाले ने वैसे लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, राहें कैसे भी हो हम शौक से गुजरते हैं। नाइस, आई थिंक अब रोड सही होगा, थोड़ा थोड़ा बीच में तब भी पैच मिलता रहेगा। पांग इज 59 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो अभी पांग पहुंच जाते हैं, उसके बाद तो रोड बहुत मक्खन है एकदम। बट हाल देखो बाइक का कैसा हो रखा है, ये पूरा मिट्टी विट्टी हो रखा है। मेरा हाल कैसा हो रखा है मेरे को ये भी नहीं पता। इसी बात पे एक फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पे कि सारचू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इंस्टाग्राम पे डालूंगा, इंस्टाग्राम पे अगर मेरे को नहीं फॉलो कर रहा तो फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम आईडी इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल। तो अभी ये भाई हम लोगों के यहाँ पे काम कर रहे थे, ये हैं यूपी से, और इन्होंने बताया कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 20 अक्टूबर को एंड होने वाला है, मतलब जितना काम हो पाएगा हो पाएगा, उसके बाद में क्योंकि बर्फ़ गिर जाती है तो काम बंद हो जाता है, देन उसके बाद में दोबारा अप्रैल से शुरू होगा। सो दे हैव दैट डेडलाइन ऑल्सो कि उनको काम करने में भी लिमिटेड टाइम मिलता है, उसकी वजह से और डिले हो जाता है। बट जैसा भी काम चल रहा है, ज़ोरों शोरों से चल रहा है, मतलब बराबर से चल रहा है, जस्ट होप कि जल्दी बन जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर देखो ये जैसे पूरा पहाड़ है ना, इधर से मिट्टी गिर के अपने आप से नीचे आते रह रहा है, तो ये मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने पूछा इनसे कि कुछ काम करने में प्रॉब्लम नहीं आता, तो बोले कि थोड़ा स्टार्टिंग में आता है, बट अभी बॉडी धीरे धीरे मतलब एक्लिमेटाइज हो जाती है तो फिर प्रॉपर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। आज वैसे भी प्लान यही है कि हम लोग ले पहुँचेंगे, वहाँ पर रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। अभी साइकेटलिक ग्रैप की तो बिल्कुल लग गई है वॉट बिल्कुल। ये देखो इन सब बाइक से यही फ़ायदा रहता है, हिमालयन 1250 GS, KTM, हिमालयन और हिमालयन, यही फ़ायदा रहता है इन सब का। BMW 1250 GS के आराम से निकली भाई। वो कैसा सही रोड हो रखा है, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, घाटा लूप शुरू हो जाएगा, घाटा लूप 21 लूप्स का आता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा रोड वोड नहीं है, चला रहे हैं अब तो थोड़ी देर ऐसे ही रहा ना तो बैक की लग जाएगी। हमांग घाटा लूप स्टार्ट्स, टोटल 21 लूप्स, यहाँ पे टोटल जो लूप्स हैं 21 हैं, और जो डिफरेंस आ जाता है वो अराउंड 5000 फीट का आ जाता है पूरे 21 लूप चढ़ने में। ऊपर चढ़ के आपको दिखा दो कैसा लगेगा, ये ऐसे ही रास्ता जाता है पूरा। तो यहाँ पे रोड्स इतना नैरो है कि अगर दो ट्रक आ जाए आपस में नहीं निकल सकते, एक ट्रक वाले को पीछे जाना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रोड है। तो ये पूरा एक घाटा लूप चलता चला आ रहा है वहाँ से नीचे से, बहुत सही लग रहा है यहाँ पे। और एलिवेशन ना धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन बढ़ रहा है, जो डिफरेंस आ जाता है ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार फीट का डिफरेंस आ जाता है नीचे से ऊपर तक में, जो 21 लूप्स आप क्रॉस करते हो। अगर हम लोग कितना माउंटेन के ऊपर आ चुके हैं हम लोग अभी, कांट इमेजिन मैन, मतलब 21 लूप में इतना हाइट पकड़ा दिया है। को थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ से कितना हाइट पकड़े हम लोग। ये हिमांक घाटा लूप्स का एंड 21 लूप्स है, ऑल्टीट्यूड 4667 मीटर, 15302। ये देख रहे हो यहाँ पे रास्ता कैसा है, खतरनाक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है और हल्का हल्का हेडेक कर रहा है। लुक एट दिस मैन टेकिंग माय आरा 310 टू द नेक्स्ट लेवल। इट वॉज माई ड्रीम कि मेरे को ये वाली मशीन एक बार टेस्ट करनी है कि कितना अच्छा परफॉर्म करती है। अभी देख लो कैसा है मैन। ओ यार ये ट्रक पूरा ऐसे पलट गया है, यहाँ पे गंदा पलटा है यार।